नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 27 जनवरी 2020, समय 9:20:37। कोई ट्रेड नहीं लिया है, अभी खाली है पोजीशन, आप देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट की हालत। तो आज डाउन है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग बिल्कुल वन डे वन ट्रेड वाले तरीके से काम करेंगे। जिन लोगों को एक्सेल शीट चाहिए, कृपया मुझे अपना ईमेल मेरे ईमेल पे भेज दीजिए या मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। आपको आपका ईमेल पे आपका एक्सेल शीट मैं आपको डाल दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं फिर, जो आप लोग एक्सेल शीट मांग रहे थे। तो आपको अगर चाहिए तो अपना ईमेल आप मुझे मेरे ईमेल पे भेज दीजिए या मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। कोशिश करिएगा मेरे ईमेल पे ही भेजने का, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ स्टॉक्स मैंने लगा लिए, चलिए देखते हैं और वेट करते हैं कि कौन सा। अभी तो 80 पॉइंट डाउन है मार्केट हमारा। कोरोना वायरस का इफेक्ट है दोस्तों, और कुछ बात नहीं है। सारे गैप डाउन हो रहे हैं, कोरोना वायरस का इफेक्ट है, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है। चलिए वेट करता हूँ और देखता हूँ कोई अगर स्टॉक में। आज तो लाइव सेशन भी है साथ में, तो लाइव सेशन में भी फिर शामिल होना है सारे लोगों को, तो वेट करता हूँ उसके लिए। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। चलिए देखते हैं, सारे लोग ऐड हो जाइए। चलिए भाई, नमस्कार नमस्कार सारे लोगों को, ऐड हो जाइए। अविनाश जी, अशोक जी, रतन साहब, दलवीर जी, नरसिम्हा मूर्ति साहब आ गए बहुत दिन बाद, नितिन जी आ गए हैं, अविनाश साहब आ गए, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। 9900 के ऊपर निकले ना तो फिर मजा आ जाए ना। 9900, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अभी तो मार्केट देखिए डाउनफॉल होने के बाद रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि जैसा कि दिख रहा है। सूरज जी आ गए, काफी दिन बाद ये लोग आते हैं, क्या बात है सर, काफी काफी दिनों बाद आते हैं। कोरोना वायरस लग रहा है मार्केट को भी लग गया नहीं। चलिए, भारत जी भी आ गए, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। यहां से इसको बाउंस लेना चाहिए अपसाइड में। क्या कह रहे हैं 800? नमस्कार नमस्कार। चलिए देखते हैं क्या होता है। आराम से, दीपांकर जी आ गए। करीब परेशान नहीं होना है ज्यादा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं है, मार्केट अगर ज्यादा परेशान करने लगे तो वेट कर लेंगे, बहुत टाइम लेंगे, क्या टेंशन है। एक आध दिन नए भी करेंगे, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई डॉक्टर थोड़ी का डेली ट्रेड करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा बाय साइड है, ओके। देख लेता हूं सर अभी बैंक ऑफ बड़ौदा को। इमरान जी कह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा बाय साइड है, क्या बात है इमरान जी, इस समय कैसे निकल गया आज। कैसे समय निकाल लिया आज आपने। जस्ट डायल बाय बनेगा, ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा सारे आपको बाय साइड ही लगेंगे आज,
कारण गैप डाउन हुआ है ना, तो लगेगा जैसे ये नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक 94 के ऊपर नहीं निकले बैंक ऑफ बड़ौदा बाय में हाथ नहीं लगाएंगे। 94 के ऊपर निकलने दीजिए, जस्ट डायल भी आपको लगेगा सारे गैप डाउन हुए ना, गैप डाउन के बाद वहां से सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है ना जस्ट डायल, ठीक है। 600, 600 के ऊपर तो वो हमेशा पॉजिटिव ही है, और 610 पहुंच गया और अच्छी बात है, आकाश जी आ गए। 607 ठीक है, जस्ट डायल आपने लिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा 94 के ऊपर उसके पहले नहीं है ना, उसके पहले हाथ नहीं लगाना है, और जस्ट डायल बिल्कुल अच्छी जगह पे है जस्ट डायल। मेरे ख्याल से जस्ट डायल आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा, 611 12 के पास में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस होगा इसको। सेल क्या है वेदांता 151.55, LT लार्सन पे तो नजर रखा है मैंने, यहाँ देखिए लिस्ट में लगा कर रखा है लार्सन को। जी लार्सन को बाय किया जा सकता है, एक लेवल तो लार्सन में आता हुआ दिख रहा है ना, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन तो रही है लार्सन में बिल्कुल। 1350 के ऊपर लीजिए, 56-57 का एक टारगेट मिल सकता है आपको। सेल क्या है वेदांता, वेदांता आज तो स्टील चाइना का जो वो हो गया उसकी वजह से स्टील कंपनियां लोहे वाली ये सारी कंपनियां तो परेशानी में रहेगी, पर मुझे लगता है सेल करके ज्यादा ये करना पड़ेगा आपको, स्टॉप लॉस बहुत छोटा कर लीजिए, 151.50 पे लेके आ जाइए स्टॉप लॉस, है ना। इंडसइंड ने सेल दे दिया, ओके इंडसइंड बैंक मैंने 1306 के नीचे सेल दिया हुआ है, इंडसइंड बैंक है ना ऑलरेडी लगा हुआ है लिस्ट में। अरे ये तो नीचे भाग भी गया, 1307 एक आ गया तुरंत। टारगेट कितना है मेरा इस पर, 1300 का टारगेट है, फर्स्ट टारगेट तो आ गया ऑलरेडी है ना। नमस्कार, स्टार को बाय करना, स्ट्राइड्स फार्मा को बाय करना था जो लेवल दिया था स्ट्राइड्स में ना, देखिए LT को निकल रहा है 1350 के ऊपर बोला था, अच्छा खासा LT निकल रहा है, 1354 हो चुका है, नजर रखिए। वैभव जी आगे देखिए निकल गया ना तुरंत, 1350 बताया देखिए ऊपर चला गया, नजर रखिए। अच्छा स्ट्राइड्स फार्मा को तो बताया ही था मैंने, स्ट्राइड्स फार्मा को आपको उस दिन मैंने वीडियो बना के डाला था आप लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए स्ट्राइड्स फार्मा। नहीं अभी स्ट्राइड्स फार्मा को बाय करेंगे लेकिन थोड़ी सी परेशानी में है, जब तक ये 400 कष्ट में, स्ट्राइड्स फार्मा 425 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक नहीं। कौन आ गए, सागर जी फरजान साहब आ गए, ओके 4 पॉइंट मिल गया, बहुत बढ़िया प्रमोद जी बहुत बढ़िया, 4 पॉइंट मिल गया LT में, बहुत अच्छा। HDFC को सेल किया है 1226 पे, HDFC सर पूरा लिखा करिए है ना, बैंक सूरज साहब ऐसे ना करिए सर, बिल्कुल ठीक है सेल किया, स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 1231 रुपए के आसपास का, लेकिन देखिएगा गैप डाउन ओपन हुआ है थोड़ा सा, ये आपको आता हुआ दिखेगा तो मार्केट जैसे ही अपसाइड जाएगा ना सारे अपसाइड जाने लग जाएंगे है ना, तो नजर रखिएगा, अलर्ट अलर्ट होके बैठना है। अभी तक मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है, अभी वन ट्रेड लूंगा, माइंड ट्री एक्टिव हो गया, ओके माइंड ट्री एक्टिव हो चुका है, ठीक है नजर रखते हैं माइंड ट्री पे हम लोग, 900 के ऊपर मैंने दिया हुआ है माइंड ट्री को, बहुत अच्छी बात है चला जा रहा है माइंड ट्री, बहुत अच्छा बात है अच्छे तरीके से चलता हुआ। वेट करते हैं हम लोग, एक आध स्टॉक ढूंढूंगा फिर ढूंढ के एक ट्रेड लेना, सिंगल ट्रेड वन डे वन ट्रेड अभी उसी के हिसाब से चलेंगे हम लोग। ये इससे क्या होगा ना, ब्रोकरेज आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअली ब्रोकरेज में जितना पैसा जाता है ना वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ओवर ट्रेड की वजह से, है ना ओवर ट्रेड की वजह से, तो उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो उतना आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। 903 का इसने हाई लगाया, बहुत अच्छी बात है, माइंटी को थोड़ा सा परेशानी है 903 रुपया 50 पैसे के आसपास में। चलिए
वेदांता नीचे आ रहा है, ठीक है वेदांता, बिल्कुल स्टॉप लॉस एकदम मेंटेन कर लीजिए सर। रमेश जी आ गए, अनीश जी आ गए, बहुत बढ़िया, स्टॉप लॉस एकदम मेंटेन करते जाइए। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण सर, वो ट्रेडिंग उसमें इंट्राडे मत करिए, क्रेडिट एक्सेस में वो आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग मत करिए क्रेडिट एक्सेस में, वो ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रमेश जी, गुड मॉर्निंग। स्टार वहां से ये लेना। अभी देखिए निफ्टी, निफ्टी के चाल के साथ हम लोग बैठे रहेंगे, निफ्टी का जो चाल है देख रहे हैं ना, निफ्टी बिल्कुल एक डाउनफॉल हुआ है, अब यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है, तो स्थिर हो जाएंगे, दिमाग एकदम ना कूल कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, उतना हड़बड़ाहट नहीं है, मार्केट बंद हो जाएगा ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेएसडब्ल्यू स्टील शॉर्ट किया आप लोगों ने, और एसीसी बाटा इंडिया, अरे बाटा इंडिया तो चला गया, बाटा इंडिया 1859-64 है ना, बाटा इंडिया भी टारगेट डन कर दिया लगभग ना। बाटा इंडिया फर्स्ट टारगेट डन हो गया ना। कोल इंडिया में सेल बनेगा, ओके कोल इंडिया चेक कर लेते हैं, कोल इंडिया सेल बनेगा। अभी देखिए स्टॉप लॉस आपको बड़ा लगाना पड़ जाएगा, 194 के आसपास का एक एसएल लगा के आपको ट्रेड करना पड़ेगा कोल इंडिया में, लेकिन अभी रुक जाइए थोड़ा सा, कोल इंडिया को रिवर्स होने दीजिए। कोल इंडिया में अभी थोड़ा सा दूर रहिए, और फार्मा 507 पे बाय कर लिया, वाह सर बाय कर लिया, तो टारगेट भी तो सोचा ही होगा आपने, देख लेता हूं और फार्मा, पांच सौ सात पे बाय किया है, टारगेट 511 के आसपास का है पहला टारगेट उसका, 511 पे है पहला टारगेट, बुक कर लीजिए, बुक कर लीजिए पहला टारगेट, 511 है उसका पहला टारगेट, अगर ये ऊपर क्लोज कर देता है ना 512 के ऊपर, देन नया पोजीशन बनाएंगे, फिर 516 का टारगेट होगा, अगर क्लोज करता है 512 के ऊपर तब, देख रहे हैं ना मैंने कहा ना यहाँ पे टारगेट है इसका, ये रेड बना रहा है ना, यानी नीचे आने का कंडीशन अप्लाई कर रहा है ना। तो नजर बना के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भाई बड़ी बनेगी, वीडियो बड़ी बनेगी, मैं अपने सारे दर्शकों से कहना चाहूंगा वीडियो बड़ी बनेगी, इनके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि देख ही रहे हैं सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है, तो वीडियो बड़ी बनती है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा सारे लोगों से, कि मैं लाख कोशिश कर लूँ तो भी छोटी नहीं हो सकती, ना मैं कुछ एडिट करता हूँ ना कुछ सारे डाल देता हूँ। चलिए वेट करते हैं हम लोग, 511 पे इसको प्रॉफिट बुक करिए भाई, HDFC, अरे HDFC किन्हीं का था ना, HDFC बैंक, इंडिगो को बाय किया है, ओके इंडिगो, इंडिगो को बाय किया है, HDFC पे नजर रखिए, अगर ये निकलता है ना 1231-32 को ब्रेक करेगा तो बाय साइड के लेवल होंगे, लेकिन अभी भी रुक जाइएगा, ये इंडिगो को क्या करना है, ओके ठीक है, इंडिगो अच्छा जा रहा है, चलने दीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिए 1508 रुपए का, स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 1508 रुपए का,
मुझे भी एक आध स्टॉक निकाल के दीजिए ताकि मैं भी ट्रेड करूं भाई। ग्रासिम जी, मैंने ग्रासिम तो निकाला है अभी। आपने भी ग्रासिम पे नजर रखा है, मैंने भी ग्रासिम पे ही नजर रखा हुआ है। ये अच्छा है। देखिए सूरज जी का भी बिल्कुल ग्रासिम पे ही नजर था, मेरा भी ग्रासिम पे ही नजर है सर, टिका हुआ, वेट कर रहा हूँ ग्रासिम का। अपोलो, अब देखिए ये अपोलो लिख के छोड़ दिए, अपोलो ये छोड़ लिख के छोड़ दिए, अब इनका देखना ही नहीं, आधा अधूरा लिखेंगे तो मैं कभी ना लिख देखूंगा। यूपीएल, यूपीएल, यूपीएल क्या हो रहा है यूपीएल? अभी मैंने बोला इमरान जी को सर पूरा लिखिए, अब ये खाली अपोलो लिख के छोड़ दिए। सर अपोलो एक स्टॉक थोड़े ही, उसमें बहुत सारे स्टॉक होते हैं। यूपीएल तो ठीक लग रहा है सर देख, लेकिन थोड़ा सा 50 के ऊपर निकले तो मजा आ जाएगा। हमारा राजा, हमारा राजा मैंने दिया है लेवल सर, हमारा राजा का ऑलरेडी सेल के लिए 807 के नीचे, क्या वो नहीं गया क्या? मूव कर गया ऊपर, भाग गया ग्राह से, मांग जाने दीजिए, 806 से घूम गया वापस। हाँ ऐसा लीट हो गया ना हमारा राजा में। मार्केट रुक जाइए, मार्केट घूम रहा है तो ये भी घूम, देखिए मार्केट कवर करने की कोशिश कर रहा है। पीवीआर और यूपीएल, यूपीएल तो देख ही लिया, यूपीएल 550 के ऊपर थोड़ा लग रहा है। बीपीसीएल किन का था? सुदीप जी का। बीपीसीएल सारे मार्केट का, रुक जाइए स्थिर हो जाइए, मार्केट नीचे आने लगेगा तो सब नीचे आने लग जाएगा। हमारा राजा को 709 पे बाय किया, ठीक है। पीवीआर लुपिन 745 बाय करना है, ओके। ठीक है, पीबीआर पे नजर रखेंगे सर हम लोग, पीबीआर पे भी नजर रखेंगे। और एचडीएफसी बैंक पे भी नजर रखेंगे। लगता है मार्केट साइडवेज, हाँ मार्केट गिरा है तो साइडवेज हो ही जाएगा। टाटा स्टील को नजर, टाटा स्टील, टाटा स्टील तो गिर ही रहा होगा, टाटा स्टील का है कि चाइना वाला मामला है ना कोरोना वायरस, तो गिर ही रहा होगा, हाँ गिर गया है ना। सेल अगर करना होगा तो इसके नीचे कर लीजिएगा, 466.50 के नीचे। स्टार में 3 पॉइंट ले लिया दीपांकर जी ने, बहुत बढ़िया, निकल जाइए लेके। टाटा स्टील हो गया इधर, लगता है साइडवेज। पीवीआर मिस हो गया, जाने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, पीवीआर मिस हो गया तो हो गया, उतना परेशान रोना नहीं है इसमें, मिस हो गया हो गया हो गया मिस, क्या टेंशन है। लुपिन, 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 लुपिन 745, लुपिन क्या कह रहे, लुपिन लुपिन ओके।
बिल्कुल बाय बनेगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ लगाइए बाय साइड। अभी एक स्टॉक देखा था कहाँ चला गया, वो भूल गया मैं कौन सा था स्टॉक। पीवीआर, पीवीआर नहीं था, कोई और स्टॉक था, नजर पे निकल गया। कौन सा स्टॉक था? प्रिंस क्या है सर, लिमिट ऑर्डर लगाया फिर भी ये हो गया। एक मिनट, चलिए वेट करते हैं अभी। माधव जी आगे देखिए, ग्रासिम भाग गया। हाँ भाग गया, वो तो नजर पे रखा ही था मैंने, वो भाग गया, कोई बात नहीं, भाग गया तो भाग गया, क्या कर सकते हैं उसका। विप्रो, ग्रासिम एम&एम फाइनेंशियल, एम&एम फाइनेंस पे नजर रखिए। एम&एम फाइनेंस, चलिए अब एक ऑर्डर लेना चाहिए मुझे भी, ले लेना हूँ एक ऑर्डर। कहाँ गया HDFC, किधर गया HDFC बैंक, HDFC बैंक एक ऑर्डर ले रहा हूँ। HDFC बैंक 1232 टच कर गया है, ठीक है जाने दीजिए अभी HDFC बैंक को। चलिए विप्रो में एक ऑर्डर लगाता हूँ, 400 क्वांटिटी का एक ऑर्डर लगाता हूँ विप्रो में, 245, 245 रुपया 90 पैसा और 246 रुपये का, 1.5 रुपया का स्टॉप लॉस है, 3 रुपये का टारगेट है और सेल ऑर्डर मैंने प्लेस किया इसमें। एक ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है ना, एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है मैंने। अब देखते हैं, 1.5 रुपया का मैंने स्टॉप लॉस रखा है, हालांकि मेंटेन कर लेंगे स्टॉप लॉस जैसा भी होगा, अभी ऑर्डर ट्रिगर हुआ नहीं है हमारा, तो नो पोजीशन में अभी हूं मैं, ऑल पोजीशन खाली है हमारा, है ना, तो वेट करते हैं इसमें। जुबलियन फूड क्या करना था, जुबलियन फूड चेक कर लेते हैं सर, जुबलियन फूड चलिए जुबलियन फूड। अच्छा है जुबलियन फूड, अगर ऊपर की साइड में निकलता है 1820 को तो अच्छा मूवमेंट देगा। जुबलियन फूड पे नजर रखिए, क्या हुआ, वेट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड अडानी पोर्ट में 1.5 का बाय साइड में प्रॉफिट बुक लिया। ओके सर सुजय जी, बहुत बढ़िया, बुक कर लिया तो अच्छी बात है सर, एकदम बुक करते रहना चाहिए, प्रॉफिट जिसने नहीं बुक किया वो तो लॉस बुक करेगा, है ना। तो विप्रो में देखिए एक ऑर्डर ट्रिगर होता है कि नहीं होता है, वेट करते हैं हम लोग। तो विप्रो में हमारा स्टॉप, ये ऑर्डर ट्रिगर हो गया है, आप देख ही पा रहे हैं विप्रो में ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है, नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ, जस्ट हुआ है अभी ट्रिगर, और अभी नो प्रॉफिट नो लॉस में, 60 के लॉस में दिखा रहा है विप्रो, वेट करते हैं हम लोग जीरो का, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो चलिए 1.5 रुपया का स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ बना हुआ हूँ विप्रो में, और देखते हैं कितना का आता है प्रॉफिट। 20 का प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है विप्रो, 20 का लॉस, 20 का प्रॉफिट,
तो वेट करेंगे। तो एक ट्रेड लिया है हम लोगों ने, इसमें मेंटेन कर लेता हूं इसको, चलिए इसको मेंटेन कर लेते हैं, इस ट्रेड को मेंटेन करते हैं। 246 पर सेल किया है, यानी 200 कितना पे मैंने सेल किया, 245.95 पे सेल किया है 400 क्वांटिटी को, 245.95 पे। तो आज का जो डेट है वो कितना तारीख का है, 27 तारीख का, उस दिन तो टेक महिंद्रा में ऑर्डर ही नहीं लगा, तो इसमें हमारा ट्रेड हो गया आज विप्रो को सेल किया है, और सेल किया है 245.95 पे। एग्जिट देखते हैं कितना में होते हैं हम लोग, और हमारा जो क्वांटिटी है वो 400 का है, 400 का 245.95 पे सेल किया हुआ है। वेट करते हैं क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या हो सकता है विप्रो में। क्या है स्टॉप लॉस टेल टू बैंक प्राइस, बढ़िया किया सर आपने। ग्रासिम 822 के ऊपर सोच रहा था, सोचते सोचते भाग गया। क्या कर सकते हैं, हो जाता है जब आप जो करना चाहें, नहीं होगा कोई बात नहीं। चलिए विप्रो में वेट करेंगे हम लोग, एक बार अगर विप्रो 245.50 अगर ब्रेक कर दे तो माइंड ब्लोइंग हो जाएगा। आपका एनएससी पे पूरा भरोसा है सर, माना जी लिख रहे ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आज क्वांटिटी दिया है खुदरा खुदरा मुझे, है ना, खुदरा खुदरा क्वांटिटी दिया है। एकदम खुदरा खुदरा क्वांटिटी दिया। देखिए स्टॉप लॉस मेंटेन मैंने नीचे के लिए हैवल 621 के नीचे शॉर्ट किया है। ओके ब्रेक करते हो करे तो बढ़िया, हाँ 245.50 को ब्रेक करेगा तो ही। देखो एकदम छोटा स्टॉप लॉस है हमारा। ओरो फार्मा शॉर्ट किया 513 सर, ओरो फार्मा भी किन्होंने ने पूछा था सर, 513 के आसपास मैंने पूछा था किन्होंने, मैंने कहा था 511 के पास क्या किसको रेजिस्टेंस, हाँ यही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला था मैंने, और हैवल्स 621 के नीचे। ओके हैवल्स को भी चेक कर लेते हैं, शॉर्ट कर दिया है ना हैवल्स, वाह लेकिन थोड़ा रिस्की है हैवल्स, 621 के नीचे थोड़ा रिस्की तो है, लेकिन ठीक है स्टॉप लॉस मेंटेन करी। चलिए नजर बना के रखते हैं, 245.50 अगर ब्रेक कर दे तो मजा आ जाए फिर। जस्ट डायल 604 के नीचे सेल ऑर्डर लगा। ओके जस्ट डायल जस्ट डायल जस्ट डायल जस्ट डायल यहाँ क्या हुआ, निफ्टी फिर नीचे आने लगा क्या। ठीक है सर एकदम लगाते रहिए। जस्ट डायल 600 ठीक है कोई बात नहीं। स्कूल के लिए निकल निकल जाइए सुजय जी, बहुत बढ़िया, बस अब तोड़ दे। अच्छा संजीव जी कह रहे विप्रो गोइंग डाउन, जान विप्रो जा रहा है, कहाँ गया मेरा 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 400 क्वांटिटी है उसमें, विप्रो 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 हाँ जा रहा नीचे, गजब गया गया। 245.55 का लो लगाया था इसने, नहीं नहीं अच्छा ठीक ठाक आ गया था वहां पे, कोई बात नहीं। अरे मेरा रिस्क कितना है आप देख रहे हैं, मेरा रिस्क कितना है, 70 पैसे का रिस्क है सर, है ना, 70 पैसे का रिस्क है।
70 पैसे के रिस्क में आप क्या खोजेंगे? कम से कम 1 रुपया 40 पैसा आ जाना चाहिए, यही ना खोजेंगे? 70 पैसे के रिस्क में 1 रुपया 40 पैसा ही ना खोज सकते हैं हम लोग, और क्या खोजेंगे? तो 245.95 में अगर मैं 1 रुपया 40 पैसा 1.5 रुपया की बात करता हूं तो कितना कटेगा मेरा? मतलब कितना जाएगा? 245, 244.50, यही ना होगा? लीजिए, यही होगा। पहला रख दिया यहां पे लाके, है ना, बड़ी क्वांटिटी को वहां पर रख दिया ले जाके, हो गया टेंशन फ्री। क्या खुल गया मेरा? कैलकुलेटर खोल रहा था, क्या खुल गया? आ रहा 140 का प्रॉफिट हो गया सर, 140 का प्रॉफिट हो गया। 244.55 ठीक तो है, मैंने 244.55 के पास रख दिया ले जाके, है ना, अपना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड में रख दिया है। तो रखा, कितना छोटा स्टॉप लॉस है, देख रहे हैं ना? अब क्या चाहिए इतना छोटा स्टॉप लॉस में? अब क्या चाहिए आपको बताइए? चलिए देखते क्या आता है इसमें, हमारा प्रॉफिट क्या लॉस सारे पता चल जाएगा। दीपिका माना जी कह रहे, और क्या चाहिए दीपिका? वाह माना जी, माना जी भी कभी कभी देते हैं ना ही? अच्छा, माना जी भी ब्रह्मास्त्र दे देते हैं। चलिए वेट करते हैं, आ रहा है नहीं आ रहा है, आराम से देखते जाएंगे हम लोग। आप लोगों का कोई स्टॉक है तो पूछे। चलिए मैं कुछ स्टॉक्स आपको ऐसे बताता हूं। मार्केट डाउन साइड है तो आपको नजर रखना है डाउन साइड में। कुछ खास नहीं है, आप एक्सिस बैंक को देखिए तो। एक्सिस बैंक क्या कर रहा है? एक्सिस बैंक ना पॉजिटिव तो दिखा रहा है, लेकिन नजर पे तो आ रहा है ये 1, 2, 3। एक्सिस बैंक कहाँ गया? मेरे चार्ट पर था इधर। ठीक है, देखिए एक्सिस बैंक देखते देखते निकल गया ना, कोई कहा नजर रखनी एक्सिस बैंक, वही तो तुरंत देखिए भाग गया, यानी कि मार्केट अब यहां से रिवर्स लेगा। नजर रखिए, पावर चला गया, निकल जाइए सुधीर ग्रासिम, मेरा ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ, परफेक्ट पोजीशन पे था ग्रासिम जी, नजर रखा था ग्रासिम, करते कहते निकल गया। नहीं करते करते ग्रासिम निकल गया, क्या कर सकते। ये देखिए अब ये नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गया। चलिए वेट करते हैं,
क्या आता है इसमें, क्या जाता है इसमें, परफेक्ट। क्या करे, आज ओरो फार्मा 12 पॉइंट दे गया, लेकिन जब मिस हो गया तो फिर क्या दे गया सर? ग्रासिम भी बहुत भाग गया, तो क्या करें, वो तो नजर पे था मेरे पास ग्रासिम, है ना, लेकिन बोलते बोलते वो निकल गया, क्या कर सकते हैं उसका। कल ढूंढ के रखा था, अच्छा कोई बात नहीं, होता है होता है, वैसा वैसा सारी चीजें हो जाती है सर, उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं, बस बने रहिए डिसिप्लिन के साथ। जस्ट डायल, अरे किसने क्या किया था जस्ट डायल में भाई, सेल किया था ना किन्होंने जस्ट डायल में, जो मैंने बोला कि मजा नहीं है, मैंने कहा था मजा नहीं है इसमें। M&M फाइनेंस माइंड टीम में मेरा सेल का व्यू है एक्चुअली माइंड टीम में, और वो ऊपर काट के, देखिए स्पाइक देके एसएल काट गया, लेकिन है ये कमजोर स्टॉक, इसलिए मेरा तो व्यू सेल का ही है। अब क्या करें, M&M फाइनेंस सेल साइड लग रहा है, M&M फाइनेंस अभी रखा था मैंने यहाँ कहीं पे ना, M&M निकाल के, M&M फाइनेंस लगता है ये तो लगा के चला आया इतना लगा के, अब रुक जाइए यहां से, हो सकता है ये सपोर्ट ले ले, है ना, हो सकता है अपना ये यहीं पर से ये वापस सपोर्ट ले ले, है ना, तो रुक जाइए अभी, रुक जाइए, उतना हड़बड़ नहीं करना है। और क्या कह रहा है, माइंड ट्री में 140 प्रॉफिट हो रहा है एग्जिट, हाँ कर दीजिए एग्जिट, जस्ट डायल को बाय किया 607 पे, हाँ वही तो मैं पूछ रहा था कि उन्होंने बाय किया हुआ था जस्ट डायल, जो मैंने कहा कि उसमें मजा नहीं होगा आपको जस्ट डायल, वो उसमें उतना दम नहीं लग रहा है बाय साइड के लिए। बाय साइड के लिए उतना दम नहीं लग रहा है, अब सब डिपेंड करता है मार्केट पे, मार्केट जो कराएगा उसके साथ साथ वो चला जाएगा, देख रहे ना, मार्केट के चक्कर में तो हम लोग का भी स्टॉक जो है वहीं पे घूम रहा है। गोदरेज कंज्यूमर को बाय, ओके को 751, ठीक है लीजिए 751 के ऊपर कॉन्फिडेंटली, लेकिन ये इतना जा रहा है, ये देखिए सर, ये इतना नीचे से गया है, ठीक है, ये इतना नीचे से गया है, कहाँ से गया है आप ये देख लीजिए, 740 से गया है ऊपर, तो यहाँ थक जा, यहाँ क्या हो सकता है, ये थक सकता है ना, ये थक सकता है, देखिए थक रहा है ना, तो यहाँ पर से अभी रुक जाइएगा, बिल्कुल देखिए थक रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम कर देगा आपको, है ना, कभी भी ऐसे काम नहीं करना है, इतना नीचे से गया ना, LT रॉक्स हो गया, अरे LT करते करते तो निकल गया LT, गजब। अरे तो हम लोग का विप्रो भी ऊपर भाग गया होगा, ये देख, यानी निफ्टी ऊपर गया, देखे 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 निफ्टी कैसे ऊपर चला गया ही 12,150 से ही बाउंस हुआ है, बिल्कुल सही जगह से बाउंस हुआ, कल जो एनालिसिस थी मेरी कि 12,150 अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 12,150 से रिवर्सल आएगा, नहीं, और यहाँ से अब एक सेल का कंडीशन थोड़ा सा बन सकता है, नया पोजीशन कब बनेगा, जब ये 12,250 के ऊपर जाएगा, उसके पहले नहीं। कह रहे हैं एनालिसिस मस्त होती है निफ्टी बैंक निफ्टी, थैंक यू सर। माइंटी 242 प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर, माइंटी में सब, अब निफ्टी डिपेंड करेगा, निफ्टी जो करेगा वो होगा, हमारा कहाँ जा रहा है, ये 200 का लॉस आ गया, देखिए काटेगा एसएल तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 246.55, है ना, 200-250 का लॉस लेके निकल जाऊंगा, और क्या कर सकते हैं हम लोग अब तो सब निफ्टी पे डिपेंड है, ये अचानक से रिवर्स ले रहा है तो लेगा, सारे लेगा, इतना गिरा था ना, वेट करते हम लोग। जस्ट डायल क्या कर रहे, टारगेट क्या आ सकता है, जस्ट डायल जस्ट डायल जस्ट डायल, अच्छा है कि निफ्टी घूम गया तो जस्ट डायल भी घूम सकता है उसके साथ, हाँ
जी विजय जी, निफ्टी घूम रहा है तो जस्ट डायल भी घूम रहा है। ऊपर निकलने दीजिए, जब तक 612 नहीं ना ब्रेक करेगा सर, तब 612 ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई टारगेट, 612 ब्रेक करेगा 616 का होगा, लेकिन 612 पे रेजिस्ट करेगा ये। पीडी लाइट को बाय बनाना है, ओके, बाय बन सकता है पीडी लाइट, साइडवेज है बिल्कुल, एक रेजिस्ट निकले ना ऊपर, एक रेंज में फंसा हुआ है पीडी लाइट एक्चुअली, है ना, एक रेंज में फंसा हुआ है पीडी लाइट, इस रेंज से जिधर निकलेगा उधर ट्रेड कर लीजिएगा, एक रेंज में फंसा हुआ है, अभी वेट करिए। सुबह सुबह में धो डाला सर ने? नहीं 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 धोया नहीं सर, वो एक्चुअली वो गलत राह पे जा रहे थे, उस व्यक्ति ने जो फोन किया गलत राह पे जा रहे थे ना, वो किसी का प्रॉफिट देख के आना चाह रहे हैं मार्केट में, और वो उन्होंने क्या कहा कि भाई आप, मैं सीखना भी नहीं चाहता हूँ लेकिन पैसा कमाना, उन्होंने ऐसा बात कहा, तो भाई बिना सीखे तो आप एक तिनका नहीं ले जा सकते, है ना। तो अभी जो फोन उन्होंने क्या इसीलिए, वो जरूरी था उनको बताना, उन्होंने कहा कि मैं, मेरे दोस्त लोग करते हैं डेली 4-5 हज़ार लेके जा रहे हैं ना, डेली 4-5 हज़ार लेके जा रहे हैं, मैंने कहा आपके दोस्त लोग डेली 4-5 हज़ार लेके जा रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, अभी तक तो उनको जॉब छोड़ देना चाहिए था। एक बार ईमान तो कहा जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और मेरा सैलरी भी उनसे कम है, उनका सैलरी मुझसे भी कम है, मेरे दोस्त लोगों का सैलरी मुझसे भी कम है, तो उनको तो छोड़ ही देना चाहिए था, सही बात। मैंने वही कहा कि भाई एक बार आप जो है अपने दोस्त का लॉस बोलिए तो, कि सर भाई तुम जो प्रॉफिट दिखा रहे हो एक बार अपना लॉस दिखाओ तो कितना होता है, फिर पता चल जाएगा ना क्या हकीकत है। तो किसी का भी लॉस प्रॉफिट देख के मत आइए, आप उनका लॉस देखिए कि वो लॉस कितना वेयर कर रहा है, 1092 पे क्या करना है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। क्लियर नहीं रहिएगा ना सर, क्लियर नहीं रहिएगा तो परेशानी तो होगा, लोग ऐसे ही किसी का भी देख के ह्यूज प्रॉफिट, है ना, ह्यूज प्रॉफिट देख के आ जाते हैं, और फिर अपना मैनेजमेंट रहता नहीं है, दूसरे का प्रॉफिट देख के आ जाते हैं, अपना मैनेजमेंट नहीं रहता नहीं है, उसके बाद फिर लॉस होता है, फिर वो परेशानी में पड़ते हैं। तो इनको फोन पे इन्होंने किया तो इनको बताना जरूरी था कि भाई आप गलत राह पे जा रहे हैं, क्या करना है बालकृष्ण, 1092 के नीचे मार दीजिए सेल करना, कर दीजिए सेल कर दीजिए, 98 का स्टॉप लॉस लेकिन लग जाएगा, क्या है, बिल्कुल सही बात, मैं 90 में फाइनली प्रॉफिट दे ही दिया, धन्यवाद 90 बढ़िया सर। हाँ और निफ्टी रिवर्स कर गया ये मनाइए, निफ्टी रिवर्स कर गया, नहीं तो आपका यहाँ पे लग जाता वाट। भाई सीख के आए तो कहीं सीख लें उसके बाद आइए, क्या दिक्कत है, एलटी को बाय सर, एलटी ग्रासिम, ग्रासिम तो ऑलरेडी चले जा रहा है ना, ग्रासिम तो ठीक है, ग्रासिम अभी मैंने बोला तो था आपको करने के लिए कुछ ग्रासिम में, और छोड़ दीजिए जेएसडब्ल्यू स्टील को, वो एक तो ऐसे गैप डाउन है, थोड़ा सा भी रिवर्स होगा तो सब रिवर्स, चाइना का उसमें लगा हुआ है ना कोरोना वायरस, उसमें कोरोना वायरस लगा हुआ है, ये क्या करे, ये साइडवेज हो गया सर पूरा, अरे सुन लीजिए एक खबर आई है, सुन लीजिए आप लोग, एक काम का है, इम्पॉर्टेंट न्यूज है इसका, सुनिए, अप स्टॉक में नाउ ईयरली एएमसी हैज बीन स्टॉप्ड, ठीक है, ईयरली एएमसी हैज बीन, एमएन क्या भाग रहा है, एमएन फाइनेंस निकल गया, कहाँ भाग रहा है सर, वहीं तो बैठा हुआ है, अच्छा ऊपर से नीचे भाग रहा है, ईयरली एएमसी हैज बीन स्टॉप्ड हो गया है अप स्टॉक में, एमएमसी, एएमसी के जगह अब उन्होंने एमएमसी लागू कर दिया, मंथली मेंटेनेंस चार्ज, एमएमसी मतलब मंथली मेंटेनेंस चार्ज, एमएमसी, पहले एएमसी होता था ना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ईयरली, अब वो महीने महीने लेगा सर चार्ज, महीना महीना लेगा,
कैसे लिएगा? देखिए वो भी लिख के दिया है, 25 रुपया प्लस लिखा हुआ है, 25 प्लस जीएसटी, जीएसटी या 29 रुपया 50 पैसा एवरी मंथ। ठीक है, 25 रुपया प्लस जीएसटी, नहीं तो 29 रुपया 50 पैसा एवरी मंथ, ये है सर। ये हो गया एमएमसी। और सुनिए दूसरा न्यूज क्या दे रहा है, सुन लीजिए सुन लीजिए। प्रीपेड ब्रोकरेज ऑफर कैन बी अवेल्ड वाइल अकाउंट ओपनिंग, इफ दे पुट ₹50 दे विल गेट ₹100 एज ब्रोकरेज विच दे विल नीड टू यूटिलाइज इन 60 डेज। सर इतना इंग्लिश मुझे नहीं आता, जो आया मुझे समझा दिया मैंने, मुझे इतना इंग्लिश नहीं पता। मुझे सिर्फ उससे मतलब था, एमएमसी से 25 रुपया प्लस जीएसटी लेगा, नहीं तो 29 रुपया 50 पैसा एवरी मंथ लेगा। किनका किनका अकाउंट में अकाउंट है एप स्टॉक में भाई? लिंक कह रहे लिंक दीजिएगा अब स्टॉक, आपको आ गया होगा सर, आपको आ गया होगा नोटिफिकेशन, देखिए ना ये वैसा ही है, पहले फ्री की लत लगा दो फिर लूट लो। सही है, अरे आ रहा है विप्रो, आ रहा है आ रहा है, आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर मैं बता देता हूं कि जो है टाटा ग्लोबल 308 पे सेल किया। ओके, जब तक ये नहीं हो जाए बजट, तब तक मार्केट ऐसे ही नाटक देता रहेगा साइडवेज में, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे वो चलता रहेगा। टाटा ग्लोबल 308 पे सेल किया, 386 पे सेल, 87 पे, ठीक है सर, वेट करिए 388 50 का स्टॉप लॉस के साथ, तो वो अभी साइडवेज में ही रहेगा मार्केट जब तक कि बजट ना जाए, तो आप लोग सारे लोग जानते हैं। तो बजट है जो सर, वेट करिए बजट में, बजट के लिए इंतजार रखिए। और बजट है सैटरडे को, है ना, बजट है सैटरडे को, और आपको पता है इस बार दुकान ओपन है बजट में, सैटरडे को दुकान ओपन है, पता है ना क्यों ओपन कर लिया है? यही तो गड़बड़ है, क्यों ओपन किया, बंद रखना चाहिए था ना, जब सैटरडे है सर, सैटरडे है। एक तो ऐसे छुट्टी चला गया, देखिए संडे को, संडे को 26 जनवरी पड़ गया तो हमारा छुट्टी तो ऐसे खत्म हो गया, हमारा तो छुट्टी ऐसे ही चला गया ना, एक संडे खत्म हो गया। अब ये सैटरडे को ओपन कर रहा है बजट के लिए, क्यों ओपन कर रहा है सर, ये क्यों ओपन कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए था ना बजट, जब सैटरडे नियम है कि बंद रखेंगे तो बंद रखना, बजट है तो इसका मतलब क्या है? मेरे ख्याल से तो बंद रखना होगा, हाई वोलेटाइल होगा मार्केट, बिल्कुल हाई वोलेटाइल होगा मार्केट। तो सर एक्चुअली ना आ रहा है विप्रो, आ रहा है एक्चुअली ना, यहाँ उस दिन उसकी कमाई होगी ना, उस दिन तो कमाई होगी ना, एनईसी बीएसई और प्लस ब्रोकर, है ना, क्योंकि लोग ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। प्रमोद जी कह रहे हमारे लिए बंद ही रहेगा, बिल्कुल सर बंद, अगर नहीं कर रखना है उस दिन, उस दिन हाँ सिर्फ देखिएगा, मैं उस दिन करूंगा, मैं तो करूंगा अपना फेवरेट चीज पर। मैं करूंगा USD INR, मैं USD INR पे तो करूंगा। मैं तो इसी पे कर लूंगा उस दिन, मार्केट कहीं जाए अपना तो ये चलेगा ही। आजा भाई विप्रो, आजा नीचे आजा, करेंसी मार्केट क्लोज है, ले लोटा करेंसी मार्केट, हाँ करेंसी मार्केट क्लोज है उस दिन, सही सही कह रहे, हाँ, हेजिंग का, हेजिंग किया जा सकता है, तो हेजिंग का ऑप्शन आप लोग ढूंढिए, चेक करेंगे फिर उस पर देखेंगे क्या हेज किया जा सकता है। करेंसी मार्केट बंद है तो बंद कर दूंगा। ग्रासिम, अरे सर मत देखिए ग्रासिम, वो ऐसे ही किए जा रहा है बहुत, उसको देखूंगा ना दिल का चोट रहा है, देखते देखते सर वो निकल गया ग्रासिम ना, देखते देखते ना ग्रासिम निकल गया, 820 20 बोल रहा था ना, देखिए यहीं पे बोला था, कहाँ भाग गया वो, जब तक बोल करता तब तक तो ये ऐसा निकला कि निकल ही गया वो। जुबलियन भी भाग गया, भागने दीजिए, जो भाग रहा है भाग जाने दीजिए उसको, मत देखिए उसके तरफ। निफ्टी भाग रहा है क्या? तब ये भी जा रहा है, इसी भी जा रहा है, अपना विप्रो कहाँ जा रहा है? विप्रो विप्रो हमारा तो फोकस इधर है ना सर, हम लोग तो इधर बैठे हैं ना।
कैंडल के हिसाब से ग्रासी मैंने शॉर्ट किया है, ओके कैंडल के हिसाब से ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। बजाज ऑटो 344 पर सेल कर सकते हैं क्या? सर बजाज ऑटो का सुबह का लेवल निकाला था हम लोगों ने वो मॉर्निंग वाले उसमें, उसका मैं बताता हूँ बजाज ऑटो, एक मिनट चार्ट ओपन करता हूँ। नहीं ऑलरेडी ये हो गया है सर लेवल, है ना, ये लेवल ऑलरेडी हो गया। फ्लाइट कभी भी उड़ सकती है इंडिगो पर ना, साइड बेज है आप देख लीजिए इसको। ओके सर कहाँ गया इंडिगो, अरे लगाया तो था इंडिगो को हम लोगों ने, इंडिगो 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 कहाँ भाग गया। ऐसे यहाँ फ्लाइट कभी भी उड़ सकती, सही कह रहे फ्लाइट कभी भी उड़ सकती, जबरदस्त दिया है रे ये तो, ये अच्छा बनाया है, सही कहा प्रमोद जी ने, पकड़ा है नजर एकदम गजब, कभी भी उड़ सकती है और क्रैश भी हो सकती है उड़ भी सकती है और क्रैश भी हो सकती है। नहीं हाँ, मजा आ रहा है लेकिन आज जो है लाइव में ट्रेड से ज्यादा आपसे बात कर नहीं, वो अभी उड़ी नहीं है, ऊपर है अभी उड़ी नहीं है, ठीक है सर। हाँ ऊपरे का है उड़ान, ऊपर का ही, एक बार निफ्टी झटका देगा तो सट सनी ऊपर भाग जाएगा ही। अपना विप्रो किधर गया, ये अब ला दिया नो प्रॉफिट नो लॉस में, चलिए अभी तो प्रॉफिट में। लगता है सली काटेगा इनको, डर लग रहा है गजन जी को। एक स्टॉक मिस हो गया, कौन सा मिस, जो मिस हो गया जाने दीजिए सर नहीं सेंचुरी टेक्सटाइल ओके, इसको ब्रेक करेगा तो सीधा यहां आएगा 244.20 पर, सीधा 244.20 पर, लेकिन 245.50 को ब्रेक करे तब, 245.50 को ब्रेक करेगा ना तो सीधा 244.20 पर आएगा ये। मैंने कहा था ना इंडिगो क्रैश भी हो सकता है, जैसा कब बना रहा है उस क्रैश भी हो सकता है, नहीं हो गया क्रैश, क्रैश हो गया। संदेशे आते हमें तड़पाते कि चिट्ठी आती है कि पूछी जाती है कि घर कब घर कब। चलो 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 विप्रो चलो, कम ऑन इंडिया चलो जल्दी, सर सिप्ला में भी विप्रो जैसा ही सेटअप बन गया है, सब में सेटअप बना है वैसा ही, देखा नहीं इंडिगो में भी बना था, क्योंकि मार्केट ही वैसा बन गया, मार्केट ही वैसा बन गया तो क्या करेगा, मार्केट ही वैसा बन गया ना सर क्या करेगा, गैप डाउन हुआ है और अब वो सस्टेन कर रहा है, क्या करेगा वो। बालकृष्ण 1092 के नीचे, सर जाने दीजिए कितना लीजिएगा स्टॉक छोड़िए,
एकदम नजर टिका के रखिए जहां टिका हुआ है हम लोग का। कहाँ गया विप्रो? यहाँ, कमोन कमोन विप्रो, कमोन कमोन इंडिया, दिखा दो जलवा, दिखा दो तुम आज, दिखा दो जलवा एकदम, दिखाओ शाबाश बहादुर। चलो 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 नीचे चलो यार, जल्दी करो तो घर चलें, वीडियो बड़ी बन गई है। मारो झटका, एक झटका, एक झटका, एक झटका, एक झटका, चलो दो सौ पैतालीस पचास, 245 50, कम ऑन विप्रो, 245 50 को ब्रेक कर दो भाई, तो ये मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 245 50, कम ऑन, 60 हो गया, 65, चलो एक झटका नीचे, कम ऑन नीचे दिखा दो, तुम दिखा दो 120 का प्रॉफिट, 65 60 65 60 65 करा, 50 मारो नीचे, मारो झटका 60, चलो 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 शाबाश, अच्छा बच्चा, चलो निकलो निकलो निकलो, चलो नीचे 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 देखो तो, हाँ चलो चलो नीचे, चलो दोस्त नीचे जाओगे, तुम जाओगे जाओगे, चलो चलो नीचे चलो, होले 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 होले, धीरे 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 धीरे, चलो चलो थोड़ा थोड़ा, बैंक निफ्टी गया, एग्जैक्ट गैप फिल करके नीचे आ रहा है बैंक निफ्टी। ओके सर, देखिए फिबोनाची, फिबोनाची का जो लेवल है जो बताया है, अगर उस लेवल को ब्रेक करता है ना, अगर फिबोनाची का वो लेवल ब्रेक कर देता है ये लेवल, तो एकदम यहाँ आएगा सर, 244 20 के आसपास आएगा फिबोनाची का ये लेवल। अगर ये ब्रेक करता है जो लेवल है, कितना 1 जो लेवल आ रहा है उसको, अगर ये ब्रेक करता है तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, 244 20 के पास आएगा, फिर ये अपना इस लेवल को टेस्ट करेगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट फिबोनाची का ये इम्पोर्टेंट लेवल है, जैसा कि आप देख रहे हैं ना सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे बस ये मोमेंट खत्म कर लेगा, डर इसी बात का है, सारा टाइम यहाँ बिता लेगा, ये डर इसी बात का हमको है कि वो सारा टाइम बिता के मोमेंट खत्म कर लेगा। एक बार मोमेंट खत्म हो गया ना इसका जो मतलब एनर्जी रहता है, तो फिर वो परेशानी पैदा कर देगा, फिर जिधर का भी थोड़ा सा मार्केट मूव करेगा वो उधर चला जाएगा उसके साथ, ये थोड़ा सा इसके साथ टेंशन है। पीबीआर को 1972 के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा, शॉर्ट कर सकते हैं 1972 के नीचे, अगर आपको करना है तो स्टॉप लॉस यही हाई लगेगा। चलो शाबाश, नीचे आ जाओ, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे ही आओ, लेकिन आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आराम आराम से ही आओ। हाँ 50 को भी ब्रेक कर दो बाबू, है ना, ब्रेक कर दो, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, 55 55 50 ब्रेक कर दो भाई, ब्रेक कर दो तो सेलर एक्टिव हो जाएंगे फिर वहां पे से, नए सेलर, हाँ चलो चलो नए सेलर एक्टिव हो जाएंगे वहां पर से, चलो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है, टूट जाएगा, चलो चलो ना ना तोड़ेगा ही, ना तोड़ेगा, क्रिया खा लिया है, चलो नीचे चलो। लकड़ी की काठी काठी, तेरा क्या होगा कालिया, जल्दी आजा नीचे, 45 50 पे अटक गया, देखिए काफी क्रुशियल लेवल, अब यहां पर से क्या होगा, जल्दी 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 ब्रेक मार दो भाई मेरे, ब्रेक मार दो, अरे यार ब्रेक नहीं मार रहा है, ब्रेक नहीं मार रहा है, इम्पोर्टेंट लेवल है ये, इम्पोर्टेंट लेवल है, ब्रेक करो, शाबाश कर दिया, आहा, कर दिया कर दिया, करो 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 करो, अरे अरे देखिए बायर सेलर की लड़ाई, फाइट 45 60 45 60 हो रहा है, लेकिन चलिए अभी 200 के प्रॉफिट में हूं। चलो चलो चलो, अटक गया है अटक गया है अटक गया है, कम ऑन इंडिया, कम ऑन कम ऑन, ब्रेक करो नीचे, देन नहीं ना ना मुन्ना ना ये, चलो चलो आ जा यहाँ, आराम आराम से आओ, कोई टेंशन नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आराम से आओ, आराम से आओ, धीरे धीरे आओ, पर आ जाओ भाई,
देखिए यहाँ पे कितने बायर सेलर की फाइट हो रही है, देखिए कितना बायर सेलर का फाइट हो रहा है, 5 पैसा, ओनली 5 पैसा के डिफरेंस में, नहीं 5 पैसा के डिफरेंस में बायर सेलर की लड़ाई हो रही है। उसको वो ऊपर नहीं जाने दे रहा है, उसको वो नीचे नहीं आने दे रहा, 5 पैसा के लिए लड़ रहा है दोनों। क्या ये सब सीखने की चीज है कि 5 पैसा के लिए लोग देखिए कैसे लड़ रहा है। हा? टाटा ग्लोबल 386 में शॉर्ट किया, वही प्राइस पे रुक गया, सारे वही रुक गए। चलिए वेट करते हैं इसका क्या होता है, देखता हूँ। गर्दा अब तोड़ा है, चलो चलो नीचे, शाबाश 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 शाबाश, चलो चलो शाबाश, 245-30, चलो बहुत बढ़िया, 260 का प्रॉफिट, शाबाश बहादुर। देखिए फिबोनाची का इस लेवल को रिस्पेक्ट करने ये आ सकता है मे बी। चलिए बढ़िया चल रहा है, अच्छा खेल चलता हुआ, 300 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट भाई। ओवरऑल यही एक पोजीशन लिया हुआ है, कोई दूसरा पोजीशन नहीं है मेरा, 260 260 300 यही चल रहा है मेरा, 300 300 300 320 320 320 320 320, ओके ओके चलो चलो शाबाश। अब देखिए मैं अपना स्टॉप लॉस, आप लोगों ने भी लिया तो स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें कृपया, मैं बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ बना हुआ, अब मेरा कोई रिस्क नहीं है उसमें, इसको भी सब उठा के ले आऊंगा। सब को सटा लिया, कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्क नहीं, खत्म, सारा रिस्क खत्म। 245-95 पे शॉर्ट किया है, स्टॉप लॉस 246-30 पे, तो कितना का 60 पैसे का रिस्क हुआ ना, ओनली 60 पैसे का रिस्क हुआ। 60 पैसे के रिस्क में क्या जाएगा इस जीवन में, कुछ नहीं जाएगा सर, मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग। चलो कम ऑन इंडिया, ब्रेक कर दियो, अब नीचे आ जाओ, फिबोनाची का रिस्पेक्ट करो और मुझे मेरा सामान दो, टारगेट दो, 244-25 के आसपास दो, ताकि मैं घर जाऊं। चलिए सर अब बंद कर दूं रिकॉर्डिंग, आप लोग बने रहिए, कोई टेंशन नहीं है, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, बाद में रिजल्ट दिखा दूंगा। अभी तक भी ये ब्रेक मतलब असल तो नहीं है कटा हम लोगों का। चलिए नहीं डांटने से नहीं, वो तो आ ही जाएगा सर, धीरे धीरे आना चाहिए, अजीम साहब को आ जाना चाहिए धीरे धीरे। हाँ बहुत हैवी रेजिस्टेंस है 245, ये तो मैं देख रहा हूँ, वो तो मैं चार्ट पे भी देख रहा हूँ, 245 काफी हैवी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस नहीं बल्कि सपोर्ट है काफी हैवी 245। अजीम भाई साहब नीचे आ जाइए सर, कोई बात नहीं, लेकिन आप दिन भर में आइए, लेकिन आ जाइए, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं एकदम पूरा पेशेंस के साथ बैठा रहूंगा सर, आपको टेंशन नहीं लेना, मैं बैठा रहूंगा, आप धीरे धीरे आइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए बस, और क्या। वीडियो बड़ी बन रही है सर, मैं इस बात को जानता हूं, मैं अपने सारे व्यूवर से कहना चाहूंगा सॉरी फॉर दिस, हालांकि मैंने बीच में बहुत आधा घंटा पॉज कर दिया था, उसके बावजूद वीडियो इतनी बड़ी बनी है ना, आधा पौन घंटा मैंने पॉज कर दिया था, बहुत सारी बातें हुई उस बीच में जो आप लोग मिस कर गए शायद। कह रहे हैं अजीम जी ने आपका इनविटेशन स्वीकार कर लिया, नहीं स्वीकार कहाँ किया, अभी देख रहे 245 नहीं ना ब्रेक कर रहा है, 245 ब्रेक करेगा ना तब अजीम सर मेरा इनविटेशन स्वीकार करेंगे, अभी नहीं कर रहे, कर लेना चाहिए। अरे मेरा चाय चढ़ा हुआ है, आता 1 मिनट रुकिएगा, चलिए चाय ले आया मैं। चलिए क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूं या वेट करूं, हालांकि कुछ जाएगा नहीं, 60 पैसे का डिफरेंस है मेरा, उसमें से ज्यादा को कोई टेंशन नहीं है,
60 पैसा भी नहीं, मेरा तो 240 पैसे का डिफरेंस है। 246.35 पे मैंने रखा है, 245.95 पे सेल किया, तो 40 पैसे का डिफरेंस है। 4 चौके 16, 160 रुपया जाना है, ज्यादा नहीं जाएगा। देखते हैं क्या आता है इसमें, 240 का भी तो प्रॉफिट चल रहा है। चलो 245 ब्रेक कर दो भाई। क्या सर क्या देखना है इंडेक्स में? वो नहीं, ये यहाँ हम लोग, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए ये नीचे थोड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना, ये धीरे धीरे बायर की संख्या माने बायर का जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है ना, देख रहे ना, ये जैसे जैसे कम होगा इसका मतलब 245 उतना धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। ठीक है, इसका एवरेज प्राइस यहाँ पे है, यानी इसके नीचे है तो कमजोर है, वैसे भी ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट इसके नीचे है तो वैसे भी वो कमजोर है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। अच्छा वो तो सर इंडेक्स में कहाँ देखना है, वो जो एनालिसिस करके मैं डालता हूँ वीडियो सर, वो उसकी बात कर रहा था मैं, और उसका डेरिवेटिव में जाके देखना है ऑप्शन चेन। देखिए ये कम हो गया, 244.95 हो गया, ये धीरे धीरे वीक हो रहा है ना, ये धीरे धीरे वीक हो रहा है। ये धीरे धीरे वीक हो रहा है, बस इसके ये नीचे जितना आता चला जाए उतना अच्छा, और यहां पे अगर 245 के नीचे हो गया तो और बेस्ट है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर दिखाता है सर, वही ऑप्शन देखना है ना आपको। आपकी वैल्यू अलग होती है एनालिसिस में जो बताते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा मेरी वैल्यू वो यही है सर, ये तो ये है ना, ये तो ये है स्पॉट प्राइस है इंडेक्स, ये वाले जो चल रहा है ना इंडेक्स, वो तोड़ेगा तोड़ेगा, तोड़ दो 245 तोड़ दो भाई मेरे, 245 ब्रेक कर दो सर, कोई टेंशन नहीं है, कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप तोड़ दीजिए, नीचे आ जाइए, शाबाश 320 हो गया है। फिबोनाची का तो कम से कम मान रखिए, मेरा नहीं रखिए, फिबोनाची का मान रख लीजिए, इसका मान रख लीजिए, यहाँ पे आ जाइए सर, यहाँ पे आप ऐसे आ जाइएगा सर, ऐसे है ना, देखिए मैंने रास्ता बना दिया आपको, ऐसे ऐसे आना है। बुरा मान रहे हैं ये, बुरा मान जाएंगे लग रहा है, ठीक है मत आइए, अब रुकिए वहीं पर। स्पॉट कहाँ दिखता है ओएचएलसी में? हाँ स्पॉट दिखता है ना ऊपर, तो स्पॉट प्राइस ही रहता है ना ऊपर में, दिखाता हूँ एनएससी इंडिया खोली, एनएससी इंडिया खोल लेंगे ना, स्पॉट प्राइस दिखाता हूँ। मैं ओल्ड वेबसाइट यूज करता हूँ, नया वाला यूज नहीं करता, मुझे नया वाला में परेशानी होता है बता। उसके बाद जब आप इसको ओपन करें, जैसे यहाँ यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी डेरिवेटिव, ठीक है ना, यहाँ इक्विटी डेरिवेटिव है जो भी है, आप इसको निफ्टी लिख दीजिए, निफ्टी सपोज है ना, निफ्टी लिख दिया, ये निफ्टी लिख दिया, निफ्टी 50 क्लिक कर लिया, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन चेन है ना, ये ऑप्शन चेन चले गए, ऑप्शन चेन पे क्लिक करके तो यहाँ पर आप देखिए ना स्पॉट प्राइस ही रहता है, ये स्पॉट प्राइस ही होता है इंडेक्स वाला। ये इंडेक्स वाला ही होता है, स्पॉट का ग्राफ सर, ये स्पॉट का ही तो ग्राफ है, ये तो स्पॉट का ही ग्राफ है ना, ये जो क्लिक किया तो स्पॉट का ही ग्राफ आया ना, वहां पे स्पॉट का ग्राफ थोड़ी मिलेगा आपको, तो अपने टर्मिनल पे आना पड़ेगा ना, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे लिख लीजिए, गूगल पे आपको नहीं जाना है तो लिख दीजिए निफ्टी 50 है ना, निफ्टी 50 चार्ट, बस ऐसे लिख दीजिए तो यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट खुल गया गूगल पे है ना। अब आप इसको देख लीजिए, चाहे 5 दिन, 1 मंथ, 6 मंथ, जो देखना है वो देख लीजिए,
नहीं, एक्चुअली सारे पे होता है और वो आप लगाना नहीं जान पा रहे शायद, इसीलिए। ब्रेक हुआ, ब्रेक हो गया सर, गजब, गर्दा 244 70 का लो लगाया, 75 का, हाँ गजब, 460 का प्रॉफिट। देखिए भाई, ऑल पोजीशन में यही एक हुआ है, 460 का। बात मान लिया अजीम साहब ने, बात मान लिया जी, प्रेम जी साहब घर से निकल गए, पहुंचने वाले होंगे जी, वो बात मान लिए मेरा। थैंक यू अजीम सर, थैंक यू, थैंक यू, यू आर ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सन, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो अपना स्टॉप लॉस है ना, उसको मैं बिल्कुल प्रॉफिट के नीचे ले आता हूँ, है ना, अपना बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के नीचे। और इसमें से जो ये 10-10 क्वांटिटी है ना, इसको मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, छोटा छोटा, जो छोटा छोटा है मैं उसको प्रॉफिट बुक कर लूंगा बिल्कुल। ये 245 पे राउंड फिगर पे ला के रख दूंगा इसको, ताकि कटेगा तो कोई टेंशन नहीं जाएगा। चल भाई, क्या करता गया, अच्छा समझ गया क्या करना है, इसको 245 रुपये 10 पैसे पे रख देता हूँ, तब लेगा। हाँ ठीक है, तुम ऐसे ही लो, क्या दिक्कत। इस खुदरा को भी मैं 245.05 पे रख देता हूँ, नहीं लेगा तो 10 लेगा, तो 10 पे रख देता हूँ लाके, है ना, 245.10 पे। तो ये एक बार इसको कट करूंगा तो ये सारा कट हो जाएगा ना, 181 को इसको यहां ला देता हूं। अब चलिए, स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, 100 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, चलिए टेंशन फ्री हो गए। अब वेट करेंगे, कुछ तो प्रॉफिट 100 क्वांटिटी का पहले बुक कर लूंगा, क्या टेंशन है, धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएंगे प्रेम जी। चलिए चलिए चलिए, आपसे ज्यादा तो मैंने मांगा नहीं सर, मैंने तो कहा मात्र 244 रुपये 20 पैसे पे आ जाना है। चलिए, कुछ पॉइंट प्रॉफिट बुक हो रहा है मेरा 100 क्वांटिटी का, है ना, 10 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक हुआ है, मैंने तो मात्र कहा 244 20 पे आप आ जाइए, उससे ज्यादा नहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम वहां तो आ जाइए। मैं नहीं, मेरा नहीं, फिबोनाची सर का तो बात मान लीजिए। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या देता है ये खतरनाक कैंडल बन रहा है, यहाँ से ऊपर हो सकता है। खैर कोई नहीं, हमने तो, हमारा तो 100 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक हो गया ना, 100 क्वांटिटी नहीं, 93 क्वांटिटी का ना, 400 क्वांटिटी लिया, 307 क्वांटिटी यहाँ है, तो 93 क्वांटिटी का ऑलरेडी प्रॉफिट बुक हो गया हम लोगों का ना, 307 क्वांटिटी अभी भी जिंदा है, 340 का प्रॉफिट चल रहा है, तो वेट करेंगे हम लोग, टेंशन क्या लेना है। आपका ही स्टाइल है कि 70% फर्स्ट टारगेट आते ही 50 से 70 क्वांटिटी बुक करके 100% रेस्ट का असल, बिल्कुल वही करना ही चाहिए, तभी तो आप प्रॉफिट घर लेके जाते हैं, नहीं तो फिर कहाँ कैसे ले जाएंगे आप, है ना। जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं अगेन, है ना, मेरा तो आदर्श आइडियल सेंटेंस है ये, जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में क्या बुक करते हैं, लॉस बुक करते हैं, ये हमेशा दिमाग में रखिए, जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेगा वो लास्ट में लॉस बुक करेगा। जिसका जितना छोटा पेट होगा उसका पेट उतना जल्दी भरेगा, है ना। मेरा तो वो सेंटेंस, आइडियल सेंटेंस चलता रहता है। तीसरा क्या है मेरा, जिसने देखा दिन भर मार्केट शाम में खाली उसका पॉकेट, सीधा बात है। आप दिन भर मार्केट देखते रहिएगा, दिन भर ट्रेड करते रहिएगा, शाम में आप सिर्फ लॉस लेके घर जाएंगे, लॉस, और कुछ लेके नहीं जाएंगे। क्रॉसिंग स्लो है लेकिन जा रहा है, जाने दीजिए उसको। तो आप हमेशा इसको ध्यान में रखिए, है ना, इसीलिए टारगेट
टारगेट एंड प्रॉफिट एंड पेट, सॉरी टारगेट और पेट जो है अपना हमेशा छोटा रखिए, जल्दी भरेगा। ग्रासिम, तो ग्रासिम तो अभी सर नीचे वही 824 के आसपास आ सकता है। सन टीवी बाय कर सकता हूँ सर, अभी साइडवेज मार्केट में क्या बाय करेंगे, क्यों नया पोजीशन ले रहे हैं, 5 पॉइंट मिल रहा है, एसएल ट्रेल करिए, क्यों नया पोजीशन लेंगे अभी साइडवेज मार्केट में। दीपांकर जी मत लीजिए, बेकार है, देखना रहे हैं यहां नीचे से ऊपर जा रहा है ये, आप लोगों को बोला ना ये खतरनाक कैंडल बना रहा है, ये वाला खतरनाक कैंडल बना रहा है ना, और जा रहा है ना अब धीरे ऊपर, कोई टेंशन नहीं, अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल ट्रेल है, और मैं तो लॉस में तो कट ही नहीं सकता ना, मैं तो लॉस में कट ही नहीं सकता क्योंकि मैंने इसके नीचे ले आया हुआ है मैंने, ठीक किया सर आपने, देखा कैंडल का इफेक्ट जो मैंने कहा यहां से खतरा बन रहा है ना, तो ये है देखिए कैसे ऊपर जा रहा है, तो एसएल काटेगा तो हम लोग लेके निकल जाएंगे सर, क्या टेंशन है, कोई बात नहीं, जो भी कटेगा हमारा प्रॉफिट में ही कटना है सौदा, टेंशन नहीं लेना है, हो सकता है काटने के बाद नीचे आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है काटने के बाद आ जाए नीचे, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, तो मैं ये स्टॉप लॉस को ना अपना बाइंग प्राइस पर रख देता हूं, है कि नहीं, थोड़ा सा नीचे बाइंग प्राइस पे लाकर रख देता हूं, ताकि अगर वो ऐसी कंडीशन में अगर वो नीचे भी घूमता है तो फिर हमें दुख होगा, इसलिए मैंने बाइंग प्राइस पे लाकर रख दिया, कुछ तो जाएगा नहीं, बाइंग प्राइस से नीचे ही रखा है, इसलिए मेरा कुछ तो ऐसे भी जाना नहीं है, ब्रोकरेज मैंने पहले ही बुक कर लिया है, जो ब्रोकरेज कटना है वो मैंने ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे बुक कर लिया है ना, ब्रोकरेज मैंने पहले ही बुक किया हुआ है, तो ब्रोकरेज मेरा कुछ जाएगा नहीं, ब्रोकरेज ऑलरेडी बुकड है मेरा, चलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का नक्को, तो चलिए सर अब रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं, जो बंद करता हूं और सेशन क्लोज करता हूं, जो भी होगा इसका रिजल्ट दिखा दूंगा फिर, ठीक है, तब तक के लिए तो विदा लेता हूं आप लोगों से, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, और सेशन क्लोज करता हूं, चलिए क्लोज करता हूं। नमस्कार दोस्तों, तो देखिए विप्रो में एसएल हिट हो गया, इतना मेहनत करने के बाद भी यहाँ पे एसएल हिट हो गया है, अभी जैसा कि आपने देखा यहाँ पे बिल्कुल एसएल हिट हो गया, जो मैंने स्टॉप लॉस रखा था, तो टोटल 80 रुपये लेके निकल रहा हूँ, यानी कि एवरेज प्राइस मैं सिर्फ ब्रोकरेज समझिए हमारा आ गया, घर से कुछ नहीं गया, तो 245.75 पे हम एग्जिट हुए हैं, 245.75 पे, तो यहाँ मेंटेन कर लेता हूँ दोस्तों, 245.75 245.75 पे हम एग्जिट हुए हैं, तो टोटल जो 80 रुपये का प्रॉफिट वाइज, तो ये प्रॉफिट क्या समझिए, ये तो हमारा ब्रोकरेज ही है ना, तो ये ब्रोकरेज हमारा आ गया, तो कुछ गया नहीं, तो वन डे वन ट्रेड करके अभी चल रहा है, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल बना हुआ हूँ इसके साथ, कंटिन्यू 1 मंथ तक देखेंगे हम लोग, तो चलिए अब रिकॉर्डिंग दोस्तों बंद करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।